जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको टी आई टी गेमर चैनल पर। आज का जो टॉपिक होने वाला है गाइस, इस तरीके की कुछ वीडियो एडिटिंग आप सभी लोग कैसे कर सकते हो। और गाइस, आप सभी लोग पैराशूट खोल के आप सभी लोग नीचे मत उतर जाना, एक टावर पे चले आना जैसे कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद गाइस, आप सभी लोग स्क्रीन रिकॉर्डर चालू करने के बाद आप सभी लोग दो एक इमोट दिखा देना। इमोट दिखाने के बाद आप सभी लोगों को वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करना पड़ेगा, काइंड मास्टर खोल लेना है। काइंड मास्टर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी लोग इस फाइल को चूज कर लेना। चूज़ कर लेने के बाद मैं आगे स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले गाइस देख सकते हो मैंने एक प्ले कर लिया है। प्ले करने के बाद इसको किस तरीके से प्ले हो रहा है, उसके बाद गाइस आप सभी लोगों को मैं समझा रहा हूँ कौन सी जगह से आप सभी लोगों को क्रॉप करना है। देख सकते हो इमोट शुरू होने से पहले ही मैंने इसको क्रॉप कर लिया, उसके बाद प्ले कर लेता हूँ। प्ले करने के बाद आप सभी लोग इमोट का जो मेन पार्ट होता है, जिस जगह पर आप सभी लोगों को एक फ़ोटो ले लेना, मैं कैसे फ़ोटो लूँगा, आप सभी लोग कैसे ले सकते हो, इस स्टेप बाय स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ। गाइस आप सभी लोग स्किप ना करते हुए इस वीडियो को पूरा इंजॉय करते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 या फिर 9 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। गाइस देख सकते हो, गाइस इस जगह पे क्लिक करते ही हम लोग सीजर पे चले जाएंगे। सीजर पे चले जाके हम सभी लोग इसका फ़ोटो निकालेंगे और इस फोटो को आप सभी लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा। गैलरी में सेव हो जाने के बाद आप सभी लोगों को प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन का डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है गाइस। या फिर आप सभी लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दूसरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। कौन से एप्लीकेशन भाई साहब, आप सभी लोगों का प्ले स्टोर में बहुत से एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा बैकग्राउंड इरेजर ऐप। आप सभी लोग इसको ओपन करने के बाद इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी चीज़ को इरेज करना पड़ेगा, सबसे पहले गाइस आप सभी लोगों को भीमा शक्ति का जो मेन टावर होता है, इसको आप सभी लोग इरेज करना पड़ेगा। इरेज करने के बाद गाइस, उसके बाद आप सभी लोगों का इस फोटो को दोबारा से ले लेना है। तब तक के लिए गाइस इसको मैं इरेज कर लेता हूँ और फास्ट फॉरवर्ड में लगा लेता हूँ। गाइस हम लोगों ने इस फोटो को अच्छी तरीके से इरेज कर लिया हो। इरेज करने के बाद गाइस आप सभी लोगों को सेव कर लेना। सेव करने के बाद आप सभी लोगों का गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव करने से पहले 1 2 3 4 कुछ लिखा हुआ आएगा, आप सभी लोग 0 करके सेव कर देना। सेव करने के बाद आप सभी लोग फिनिश कर दे सकते हो। थोड़ा सा ऐड आ सकता है गाइस, आप सभी लोगों को डाटा अप होना चाहिए। उसके बाद गाइस आप सभी लोगों को वो वाला फोटो फिर से ले लेना है। फिर ले लेने के बाद डन के ऑप्शन में क्लिक करते ही आप सभी लोगों का कौन सी चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा गाइस, रिमूव तो नहीं गाइस, इस टावर को छोड़ के सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा। टावर को छोड़ के आप सभी लोग सब कुछ रिमूव कर सकते हो, जिस भी एप्लीकेशन से आप सभी लोग कर सकते हो। जिस भी एप्लीकेशन से आपको सहायता हो या फिर मदद हो, जिस पे आसान नहीं हो, आप सभी लोग वही एप्लीकेशन यूज़ करिएगा गाइस। मैं फास्ट फॉरवर्ड लगा लेता हूँ, आप सभी लोग म्यूजिक की इंजॉय करते रहेगा। और हमारे इस चैनल को विजिट करके देख लेना, चैनल को पसंद आए तभी आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। और इस वीडियो को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो गाइस एक लाइक और एक शेयर कर देना। गाइस भीमा शक्ति के टावर को अच्छी तरीके से रिमूव कर लेने के बाद इसको सेव कर देना। सेव कर लेने के बाद आप सभी लोगों का काइंड मास्टर ओपन कर लेना है, ठीक है। काइंड मास्टर को साइज चूज कर लेने के बाद आप सभी लोग एस कलर की एक फाइल ले लेना है। फाइल तो नहीं गाइस, इसको बैकग्राउंड बोलते हैं, बैकग्राउंड को ले लेना है। लेयर पे चले जाना है, ठीक है। लेयर पे चले जाके आप सभी लोगों ने जिसको इरेज किया था सिर्फ और सिर्फ टावर को, उस फाइल को ले लेना है। उसके बाद गाइस इसको फुल स्क्रीन में कर देना है। फुल स्क्रीन कैसे करते हैं आप सभी लोग देख सकते हो कैसे मैंने किया हूँ, आप सभी लोग भी ऐसे कर लेना है। उसके बाद गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा कर लेना। लंबा करने से पहले गाइस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पेंसिल के आइकन में क्लिक करते ही आप सभी लोग इस पेंसिल को ड्रॉ कर लेना। उसके बाद गाइस सफ़ेद जिसको ले लेना है, उसके बाद गाइस इसको 20 से 25 रख देना है। कलर आप सभी लोगों को व्हाइट रखना है। उसके बाद गाइस साइज में चला जाता है, साइज आप सभी लोगों का कस्टमाइज करके रख लेना है। साइज आप सभी लोग जिस भी आइकॉन में दे सकते हो, जिस भी जगह पे छोटा, जिस जगह पे बड़ा, आप सभी लोग कस्टमाइज करके दे सकते हो। थोड़ी देर बाद आप सभी लोग म्यूजिक को इन्जॉय करते रहेगा। सब चल के मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में लगा देता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
Through the highways, till my shadow turns to sun rays.
till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है।